जय हिंद सभी को। आज हम लोग रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एलिगेशन को डिस्कस किया था। एलिगेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है रिप्लेसमेंट, यानी जब कोई मिक्सचर पहले से है और उसमें से आप सर्टेन क्वांटिटी को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी सर्टेन अमाउंट निकाल रहे हैं और उसकी जगह पर उतना ही अमाउंट डाल रहे हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास 80 लीटर का कोई मिक्सचर है दूध और पानी का, उसमें से हमने 8 लीटर निकाला, ठीक है, और 8 लीटर जो हमने मिक्सचर निकाला उसके जगह पे सिर्फ हमने 8 लीटर पानी ही डाला। तो अगर इस तरह की प्रक्रिया 2 बार, 3 बार, 4 बार, एन टाइम्स अगर होती है, तो सर्टेन टाइम्स के बाद इसमें कितना अनुपात दूध और पानी का रह जाएगा, इस तरह के सवालों पे आज हमारा पहले फोकस होगा। तो आइए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर उन क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। आइए रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट, जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि कोई चीज़ आपने निकाली और उसके बदले में आपने कोई चीज़ डाली, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। हमारे पास यहाँ पे ये जो ओरिजिनल आपके पास कंटेनर है, ठीक है, जो ओरिजिनल कंटेनर है, मान लीजिए ये वी लीटर्स का है, ठीक है, मैंने इसको कैपिटल वी कहा, और जिससे रिप्लेसमेंट हो रही है मान लीजिए ये स्मॉल वी लीटर्स का है, ठीक है, ये कैपिटल वी लीटर का है और ये स्मॉल वी लीटर का है, ठीक है। तो यहाँ समझने की बात ये है बच्चों कि जो भी आपके पास यहाँ पे इनिशियली होगा, राइट, वी फाइनल, ठीक है, वी फाइनल, वी फाइनल यानी कि एन ऑपरेशंस के बाद जो होगा, अभी एग्जांपल देके भी आपको बताऊंगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर इसको समझ लेंगे, ठीक है, और फिर उस पर क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो वी फाइनल जो होता है ना, ये हम लोग हमेशा कैसे निकालते हैं, वी इनिशियल 1 माइनस स्मॉल वी बटे कैपिटल वी इनिशियल, राइट, बल्कि आप यहाँ चाहें तो ऐसे ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है, की पावर एन, इसकी घात कितनी होती है, एन। अब इसका मतलब क्या है, वी एफ क्या है, वी आई क्या है, ये छोटा वाला वी क्या है, ये छोटा वाला एन क्या है, इन बातों को हमें यहाँ समझना है। तो देखिए, वी फाइनल का मतलब है कि रिप्लेसमेंट के बाद जो फाइनल वॉल्यूम बच गई वो, और वी इनिशियल का मतलब जो इनिशियली हमारे पास वॉल्यूम थी वो, ठीक है, और वन माइनस छोटा वाला वी क्या है, जिससे रिप्लेसमेंट हो रही है उसका वॉल्यूम, ठीक है, और वी आई तो वही है जो उसका वी इनिशियल है, ठीक है, जो भी वी इनिशियल है, और इसकी पावर एन, एन यानी कि ये कार्यक्रम कितनी बार हुआ है, ये रिप्लेसमेंट कितनी बार हुआ है। एक उदाहरण देता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मेरे ख्याल से इससे तुम ज़्यादा आसानी समझ पाओगे, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, उससे पहले बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान रखना, किसी भी मिश्रण में जिस अनुपात में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसी अनुपात में उससे बाहर निकलती है। क्या कहना चाह रहा हूँ, एक उदाहरण देके बताता हूँ। सपोज करो इसमें तुम्हारे पास प्योर स्पिरिट है, ठीक है, 100 लीटर स्पिरिट है, चलेगा, कितना है, 100 लीटर का स्पिरिट है, और ये जो आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो छोटा वाला वी, मान लो इसका वॉल्यूम 10 लीटर है, ठीक है, यानी इनिशियली, इनिशियली हमारे पास कितना है स्पिरिट, और मान लो हम वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट किससे हो रही है, वाटर से। तो इनिशियली हमारे पास 100 लीटर स्पिरिट है और पानी कितना है, 0 लीटर। किसकी बात हो रही है, मेन कंटेनर की, ये आपके पास मेन कंटेनर है, ठीक है, जिससे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वो मेन कंटेनर नहीं है, जहाँ पे सारा कुछ मौजूद है वही मेन कंटेनर है। आपने पहली बार ऑपरेशन किया, एन का मान आपके पास 1 है, ठीक है, तो क्या हुआ, आपने 10 लीटर स्पिरिट निकाला, उसकी जगह पे 10 लीटर पानी डाला, कितना हो गया, ये तो बहुत ही साधारण है, 10 लीटर स्पिरिट निकाला और 10 लीटर पानी डाला, ठीक है, तो हमारे पास जो रेशियो पहले पास 100:0 था, कितना हो गया, 9:1 आ गया, ठीक है। अभी मैं कोई फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, ओके। सपोज कीजिए, अब ये जो आपके पास 100 लीटर का मिश्रण आया यहाँ एक ऑपरेशन के बाद, इसमें अगर आपने यही काम फिर से किया, यानी अब आपने 10 लीटर इस मिक्सचर में से निकाला और फिर 10 लीटर पानी डाला, तो क्या होगा, तो समझने की बात सिर्फ इतनी है, मैंने बोला जो जिस रेशियो में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उतनी ही निकलती है, यानी 9:1 का रेशियो है, तो 10 लीटर अगर निकालोगे तो 9 लीटर यहाँ से निकलेगा और 1 लीटर यहाँ से निकलेगा, 10 में से 1 गया, 9 बचा, ठीक है, और कितना आ गया, 10 लीटर आया, रिप्लेसमेंट भी तो हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो यहाँ तुम्हारे पास बचा कितना, 81, और यहाँ कितना टोटल बचा, 19, कुल मिलाकर के होगा तो 100 ही,
रिप्लेसमेंट है, टोटल वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगी, जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये 81:19 आ गया, राइट। अगर किसी को ये बात समझने में दिक्कत आई हो तो और बेसिक तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ आपके पास 9:1 का रेशियो था, आपने 10 लीटर्स निकाला तो आपका स्पिरिट कितना निकला, 9/ टोटल, टोटल कितना है 9 + 1 = 10, कितने का, 10 लीटर का, यानी कितना निकला, 9 लीटर निकला, ठीक है। वाटर की, हालांकि देखो तुम अगर स्पिरिट देख लेते हो तो वाटर देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, जितना भी तो टोटल तुम्हारे पास स्पिरिट बचा 100 में से उतना घटा तो वो वाटर होगा, क्योंकि टोटल तो 100 है ना, तो अननेसेसरी दो कैलकुलेशन आप क्यों करेंगे, बात समझ रहे ना, सिर्फ एक पे ध्यान दीजिए, दूसरा अपने आप निकल के आ जाएगा। अच्छा भाई ठीक है, मान लेते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 3 होता तो क्या होता, ठीक है, जरा इसको भी देखा जाए, है ना, जरा इस बात को भी समझा जाए। अभी हम किसी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ 81/19 है, यानी अगर मैं स्पिरिट की बात करूँ तीसरे ऑपरेशन के बाद, तो यहाँ स्पिरिट कितना निकल जाएगा, ये 81/100, ठीक है, 81/100, बिकॉज टोटल तो 100 है, ठीक है, इनटू कितना लीटर निकाला गया है, 10 लीटर निकाला गया, तो स्पिरिट कितना निकल गया, स्पिरिट हमारे पास निकला 8.1। 81 में से अगर मैं 8.1 घटा दूंगा तो क्या 72.9 हो जाएगा, क्या 72.9 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। वाटर कितना आ गया भाई, इसमें से घटा के देख लेते हैं कितना हो गया, 73 होता तो 27 होता तो 27.1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तीन ऑपरेशन के बाद हमारे पास इस तरीके से सिचुएशन कुछ निकल के आती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात में कहीं कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, किस प्रकार से हम ये देख रहे हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब ये जो आखिर हमने फॉर्मूला लिखा है इसका प्रयोग कैसे करना है और ये आखिर हमारी कैलकुलेशन को कैसे तेज करता है, आइए जरा इस बात को समझा जाए। इसी कैलकुलेशन को अगर मैं फॉर्मूले से करता तो यहाँ पे वी फाइनल पूछा गया है। वी फाइनल मान लो ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस मान लो तुम्हारे पास 1 है, सिर्फ एक ऑपरेशन है, तो वी फाइनल कितना हो जाएगा भाई, वी इनिशियल कितना है, 100 है, ठीक है, वी इनिशियल क्या होता है 100, यहाँ पे आपके पास 100 है, और इसमें से वी स्मॉल वी कितना था, 10 था, कैपिटल वी कितना था, 100 था, और कितना ऑपरेशन, अभी एक ऑपरेशन के लिए देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो सारी बातें सब तो सेम है ना, सिर्फ बदलाव कहाँ आ रहा है, बदलाव आपके पास सिर्फ n में आ रहा है, बाकी सब कुछ तो सेम है। तो क्या मैं इसको 9/10 लिख लूँ, है ना, 9/10 लिख लेता हूँ, तो 100 को अगर मैं 9/10 से गुना करूँगा तो मेरे पास v फाइनल 9/10 था, ठीक है, 9/10 था, ये 00 नहीं होना चाहिए था, डबल सिर्फ 10 होना चाहिए था, 9/10 है, अच्छा, तो मेरे पास ये कितना आ गया, 90 लीटर आ गया, यानी जब n 1 था तो हमारा 90 लीटर आसानी से हमें समझ में आता, अच्छा भाई 90 आ रहा है, वो ऐसे भी दिख रहा था। अच्छा जब n इज इक्वल टू 2 है तो भी इस बात को ज़रा देखा जाए, तो ये कितना हो गया, 100, और 9/10 का स्क्वायर हो जाएगा, 9/10 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, ऊपर आपके पास एक 100 है और नीचे 10 का स्क्वायर करेंगे वो भी 100 हो जाएगा, तो सेकेंड ऑपरेशन के बाद आपके पास कितना आ गया, लिक्विड स्पिरिट कितना आ गया, 81, डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा, सीधा फॉर्मूले में रख रहे हैं और आंसर निकल के आ रहा है। n इज इक्वल टू अगर 3 है तो ज़रा देखा जाए कितना आ रहा है भाई, तो ये 100 है और यहाँ हमारे पास 9/10 आ चुका है, 1 - v/v, ये हमने देखा 9/10 आ चुका है, तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 729, नीचे आया 1000, ऊपर आपके पास 100 बरकरार है, तो ये 00 गया, 72.9, क्या वही है, हाँ है। तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है, ओके, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, आप इसको चाहें तो नोट कर लें और इसके ऊपर आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आखिर सवाल कैसा आ रखा है। लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस पे 2-3 सवाल करेंगे ताकि हम इस बात को सही तरीके से अप्लाई करना सीखें, है ना। अ कंटेनर कंटेन्ड 80 लीटर्स ऑफ मिल्क, जब सिर्फ मिल्क बोल रहे हैं तो ध्यान रखना 100% मिल्क होगा, ठीक है, अगर मिल्क सॉल्यूशन बोलते या मिल्क मिक्सचर बोलते तो वहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, मिलावट हो सकती है, लेकिन जब यहाँ पे आपके पास सिर्फ मिल्क कह रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, प्योर मिल्क है, ठीक है, ओके। फ्रॉम दिस कंटेनर 8 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे देखता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो माइंड में क्या आता है, अच्छा कैपिटल वी का मान यहाँ पे 80 है, स्मॉल वी का मान यहाँ पे 8 है, कुछ दिमाग में ये वाली चीज चलनी चाहिए बच्चों, ठीक है। वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर, रिप्लेसमेंट है, बहुत बढ़िया।
द प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड टू टाइम्स, यानी टोटल ये प्रोसेस कितनी बार हुआ, तो एन का मान मुझे दिखा तीन बार, एक बार पहले हुआ था, दो बार और रिपीट हुआ, मतलब एन कितना हो गया, तीन हो गया, बहुत बढ़िया। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेंट इन द लिक्विड, सीधा सीधा क्या हम लोग आंसर नहीं बोलेंगे बताइए, सीधा सीधा क्या हम लोग आंसर नहीं बोलेंगे, 8/80 रेस टू द पावर कितना, 3। अगर तुम यहाँ काटपीट करो तो ये भी 9/10 ही आ रहा है, यानी कि 80 और 9/10, 9 का क्यूब हो गया 729 और 10 का क्यूब तो खैर आप सभी लोग जानते हैं, 8 से गुना कीजिए देखिए कितना आ रहा है, 8 × 9 = 72 और इधर 16 और 7 = 23, 2 और ये 56 और 2 = 58, यानी कि 58.32, ऐसा हमें बी ऑप्शन दिखता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कर लेंगे अगर आप उन बातों पे ध्यान दे रहे हैं, एग्जाम आपको जिन बातों पे ध्यान देना चाहता है, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल देखा जाए, स्लाइड थोड़ा थोड़ा अंतर करते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ जार कंटेंड अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। अब देखो यहाँ पे मिक्सचर प्योर नहीं है इनिशियली, ठीक है, तो मैं इसको किसकी शुरुआत कैसे करूँगा, ध्यान से देखना, बहुत आराम से समझना है हर चीज़ को। ए और बी का अनुपात कितना है बच्चों, 4:1 है, ठीक है, आराम से देखना, थोड़ा सा अंतर है पिछले सवाल में और इस सवाल में, ओके। और एक और चीज़ जो मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ, क्या कहता हूँ कि आप जब भी कोई भी सवाल कर रहे हैं तो आपको प्रयास ये करना है कि सवाल पढ़ रहे हैं, एक लाइन पढ़े उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप पूरा सवाल पढ़ रहे हैं फिर करना शुरू कर रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़े करो एक बार सवाल पढ़ के सारा डेटा आ जाना चाहिए और सॉल्व हो जाना चाहिए, दो बार पढ़ने की नौबत बहुत रेयर केस में आनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये हमने 4:1 यहाँ पे लिख लिया, 10 liters इसमें से निकाला, मैंने क्या बोला था आपको कि जो जिस रेशियो में एग्जिस्ट करती है उसी रेशियो में निकलती है, यानी अगर 4/1 के अनुपात में मैं अगर 10 निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 8 liter यहाँ से निकलेगा और 2 liter यहाँ से निकलेगा, आया ना, ये क्या है, ये आउट है, ये क्या है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट है, ये हमारे पास इतना प्रेजेंट था और ये इतना निकाला गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 और 1 तो था नहीं, ये रेशियो है अनुपात है, तो इसको क्या लेना चाहिए हमें, 4x और x ले लेना चाहिए, क्या ले लेना चाहिए, ठीक है, इतना निकाल गया, कितना निकला भाई हमारे पास, 8 निकला और 2 निकला, बहुत बढ़िया। एंड 10 liters ऑफ लिक्विड बी इज एडेड, और 10 liter ये एड हो गया, -2 + 10, क्या ये +8 ना हो गया, हो गया ना, हो गया, और ये जो रेशियो है कितना है, 2/3 है, तो बोला बताओ कि बी कितना है, बी कितना है मतलब हमसे पूछ रहे हैं एक्स कितना है, बहुत ही आसान है यार, ये देखो ए कितना बचा, 4x - 8, ठीक, बी कितना बचा, x + 8, और ये अनुपात कितना है, 2/3, काम खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आपके सामने होगा, कितना आ गया बताओ, ये हो गया हमारे पास 12x - 24, और इधर आ गया हमारे पास 2x + 16, एक्स को एक तरफ लेके जाओ तो ये हो गया तुम्हारे पास 10x, और इसको इधर लाए तो कितना हो गया, 40 हो गया क्या, x = 4, क्या हमें x ही चाहिए था, हमें x ही चाहिए था, क्या आंसर बोलेंगे, बी कितना है भाई, 4 liters। वीडियो पॉज करता हूँ, बताओ यहाँ तक, तो आइए देखें जरा क्या यहाँ पे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का, क्या कह रहे हैं, हमारे पास 80 liter दूध और पानी का है, ठीक है, मिल्क और वाटर दोनों मिलके कितना है भाई, 80 liter है, ठीक है, बेहतरीन। इसमें से मिल्क का 60%, हालांकि ऐसा निकालना संभव नहीं है किसी मिक्सचर में से, लेकिन हाँ सवाल में कुछ भी संभव है ना, हो सकता है कोई प्रॉपर डिस्टिलेशन विस्टिलेशन प्लांट से निकाला हो, क्योंकि मिक्सचर में तो जिस अनुपात में होता है उसी अनुपात में निकलता है, लेकिन जब ये स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि 60% ही दूध का निकला, 40% ही पानी का निकला, तो हमें वो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 60% निकला मतलब 3/5 निकला, अगर 3/5 निकला तो बचा कितना, 2/5, ध्यान से देखना और समझना, ठीक है, कितना बचा, 2/5 बचा, ठीक है। उसी तरीके से 40% मतलब कितना हो गया, 2/5 निकला तो बचा कितना, 3/5 किसका, पानी का, ठीक है, बहुत बढ़िया। इट इज़ फाउंड दैट द वेसल इज एम्प्टी बाई 55%, यानी 55% पानी निकल गया, 55% लिक्विड निकल गया, तो बचा कितना, 45%। तो क्या 45% 80 का देखना बहुत कठिन काम है बेटा, 2 से तुमने काटा, ये 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 9 चौक 36,
समझे कि नहीं? यहाँ तुम इसको क्या कह सकते हो, 2m + 3w = 180 कहोगे क्या? ये रहा तुम्हारा पहला, ये रहा तुम्हारा दूसरा। पूछ क्या रहे हैं, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, कोई एक निकाल लो, दूसरा वैसे ही फट से निकल जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको 3 से गुना करके घटा देते हैं, तो 3m - 2m कितना हो गया, m हो गया, और w तो गया। 240 में से जब 180 गया तो हो गया 60, काम खत्म। m बराबर 60 तो w बराबर 40, 20, खत्म। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत आसानी से रिलैक्स होकर के चीजें डील हो सकती हैं अगर आप थोड़ा चीजों को ध्यान दें। टेल मी इफ इट इज क्लियर, यस नो लिख के बताओ चैट बॉक्स में। आओ देखो, ये अ ट्रेडर हैज 44 kg ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 14% प्रॉफिट। एक को 14% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है, दूसरे को 8% लॉस पे बेच रहा है। ऑन द होल इट इज 4% लॉस, पूरे पे इसका 4% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो बताना है व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 14% प्रॉफिट एंड 8% लॉस, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में मैं अगर देखता हूँ तो हिंदी वाले को एक बार मुझे पढ़ लेना चाहिए, 8% हानि पर बेची गई मात्रा बताइए, हमें बताना है 8% लॉस पे, है ना। यहाँ पे इन्होंने दोनों पूछ लिया है, लेकिन हिंदी वालों में एक ही ऑप्शन एक ही दे रखा था, इसलिए मुझे हिंदी वाला एक बार देखना पड़ गया, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, हम ये निकालेंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, फटाफट से अंतर देखो। 8% लॉस है मतलब -8 है, ठीक है, ये कितना है, -8 है और ये -4 है, तो अंतर कितना आ गया तुम्हारे पास, 4 का अंतर आ गया। यहाँ +14 और -4, अंतर कितना हो गया, 18 का हो गया, ठीक है। तो अगर मैं एक्स बटे वाई की बात करूँ, एक्स बटे वाई, एलिगेशन फट से लगाएंगे नहीं लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 18/4, यानी क्या बोल दें, 9/2 बोल दें, 9/2 बोल देते हैं। अगर ये 9/2 है तो 11 हो गया, यानी कि कितना हो गया भाई, 11 का 4 यानी कि 4 गुना, ये हो गया तुम्हारे पास 36, और ये कितना हो गया, 4 गुना 8, खत्म। क्या पूछा गया था तुमसे, x का मान पूछा गया था, x का मान कितना हो गया, x का मान 36 हो गया, आंसर खत्म। समझ रहे हो कि नहीं, बड़े आसानी से एलिगेशन फटफट अप्लाई होता है एकदम, बस सीख लो।